दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और शार्दुल ठाकुर को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, शार्दुल ठाकुर के चमत्कारी ओवर और रोहित शर्मा की चतुराई भरे फैसले के चलते पूरा मैच ही पलट गया। और कैसे इस हारे हुए मैच में फिर भारतीय क्रिकेट टीम ने पलटवार करते हुए रोहित की कप्तानी के बल पर इस मैच को जीतकर अपने नाम किया। दोस्तों, इस मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, रोहित, कोहली और पांड्या में सबसे बेहतर कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, सीरीज जीतना और सीरीज को 3-0 से जीतना, दोनों में फर्क होता है। और आज इसी फर्क को पूरा करने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम इंदौर के होलकर स्टेडियम में उतरी है। आपको बता दें, भारतीय क्रिकेट टीम ने इस सीरीज को 2-0 से पहले ही अपने नाम रायपुर में कर लिया था, लेकिन आज कुछ ऐसी शुरुआत रही, कुछ ऐसे धमाके हुए जिन्हें हर कोई भारतीयों के साथ साथ दिग्गज भी सलाम कर गए हैं। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा जब टॉस नहीं जीत पाए तो हमें पहले बल्लेबाजी मिल गई। होलकर स्टेडियम है, छोटा स्टेडियम है, तो मुकाबला तो हाई स्कोरिंग जाना ही था, लेकिन इतना ज्यादा हाई स्कोरिंग जाएगा किसी को 1% भी रत्ती भर पता नहीं था। दोस्तों, जैसे ही मुकाबला शुरू होता है, भारतीय बल्लेबाज मैदान में उतरते हैं, वैसे ही रोहित और गिल ऐसी तबाही मचाते हैं जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था। दोस्तों, जैसे ही मुकाबले की शुरुआत होती है, वैसे ही रोहित शर्मा और शुभमन गिल चौके और छक्कों की भी शुरुआत कर देते हैं। 2 ओवर में 7 रन, 4 ओवर में 30 रन और देखते ही देखते 8 ओवर में 70-80 से ज्यादा रन बन जाते हैं। 33 गेंदों में शुभमन गिल का 50 आता है और लगभग 42 गेंदों के अंदर रोहित शर्मा का। और फिर दोस्तों, रोहित शर्मा आगे चलकर वो करते हैं जिसकी वो सालों से प्रतीक्षा कर रहे थे। अपनी पारी में दोस्तों लगभग 10 से 11 चौके और 9 छक्के लगाकर रोहित शर्मा 83 गेंदों में अपना शतक पूरा करते हैं और फिर 101 रन पर विकेट गंवाते हैं। दोस्तों, शुभमन गिल भी शतक जड़कर जाते हैं। दोनों की पारी भारत को बहुत आगे ले जाती है। इसके अलावा दोस्तों, और कोई बहुत कुछ खास तो नहीं कर पाया, लेकिन जाते जाते हार्दिक पांड्या एक बेहद ही तूफानी पारी खेलकर गए जिसमें 3 चौके और 3 छक्के भी शुमार थे। दोस्तों, उसी पारी से पांड्या ने 54 रन जुटाए और भारतीय क्रिकेट टीम को पहुंचा दिया पूरे 385 रन पर। अब जाहिर सी बात है, 386 का लक्ष्य वनडे में दिया जाए तो जीतना आसान तो होता नहीं। ऊपर से दोस्तों, जब आपको विरोधी टीम का विकेट मात्र 0 रन पर मिल जाए तो सोने पर सुहागा ही होता है। हार्दिक पांड्या ने आकर पहले ही ओवर की दूसरी गेंद पर फिन एलन को 0 पर क्लीन बोल्ड करके जीतने के चांसेस बढ़ा दिए थे। लेकिन दोस्तों, ये न्यूजीलैंड की टीम है, असंभव को संभव बनाना ही इनके लिए कार्य माना जाता है। दोस्तों, अगला विकेट मिलने में ही पारी के 15 ओवर बीत चुके थे, वो भी कुलदीप यादव ने हेनरी निकोल्स को आउट किया। लेकिन तब एक ऐसा तूफान आया कि मैच जीतना असंभव वही लग रहा था। न्यूजीलैंड की टीम के बल्लेबाज दोस्तों डिवॉन कॉनवे और टेरिल मिशेल मानो गोंद की तरह मैदान में चिपक चुके थे। अब डिवॉन कॉनवे का तो समझ आता है, शतक भी लगा दिया था, वो तो सेट थे, लेकिन एक विकेट तो चाहिए था इस जोड़ी को तोड़ने के लिए। और तभी दोस्तों, रोहित शर्मा एक ऐसा फैसला लेते हैं जिससे पूरा का पूरा मैच ही पलट जाता है। दोस्तों, विकेट नहीं मिल रहे थे, हर किसी के चेहरे पर बौखलाहट थी। फिर पारी के 26वें ओवर में अचानक से रोहित शर्मा शार्दुल ठाकुर को अपॉइंट करते हैं। और दोस्तों, शार्दुल ठाकुर को रोहित शर्मा यह भी बताते हैं कि गेंदबाजी कहां, किस एरिया में डालनी है, और फिर तो वो चमत्कार होता है जिसका किसी ने आभास भी नहीं किया था। दोस्तों, ऑफ स्टंप को टारगेट करते हुए शार्दुल ठाकुर गेंद तो डाल देते हैं, लेकिन जैसे ही गेंद डेली मिशेल के बल्ले पर लगकर सीधा विकेट के पीछे खड़े ईशान किशन के पास चले जाती है, तब दोस्तों अंपायर आउट नहीं देते, लेकिन ईशान किशन और ठाकुर पूरी तरीके से कंफर्म होते हैं। वो रोहित शर्मा को मना ही लेते हैं और दोस्तों, रोहित भी एक क्षण बिना गंवाए सीधा DRS रिव्यू की मांग कर देते हैं, जिसके चलते जब DRS पर यह फैसला जाता है तो पता चलता है कि गेंद दस्तानों पर लगकर ही किशन किशन के हाथ में गई है और टेरिल मिशेल साफ तौर पर आउट है। और दोस्तों, यही फैसला पूरे मैच का मोमेंटम पलट देता है, क्योंकि अगर डिवॉन कॉनवे को उनका साथी मिल जाता तो शायद यही न्यूजीलैंड की टीम हम पर ही हावी पड़ जाती। इतना ही नहीं दोस्तों, इस ओवर की अगली गेंद पर मैदान में आते ही टॉम लैथम को भी पवेलियन पहुंचा दिया था हमारे शार्दुल ठाकुर ने। दोस्तों, लैथम को उन्होंने पांड्या के हाथों कैच आउट कराया, जिसके बाद एक ही ओवर में 2 विकेट के चलते भारतीय क्रिकेट टीम का जबरदस्त कमबैक हुआ और हमने इस मुकाबले को आगे चलकर फिर आराम से जीत भी लिया। दोस्तों, रोहित का वो चमत्कारी DRS मैच टर्निंग मोमेंट साबित हुआ, लेकिन आप सभी रोहित शर्मा के DRS फैसले, शार्दुल ठाकुर की जुमदा गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।